नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। डीसीए आ गया है, सुबह के 5 बज चुके हैं। कई सारे जब कमेंट आप करते हो कि सर आपको बड़ा मिस करते हैं, आपके बिना दिन की पढ़ाई की शुरुआत नहीं हो पाती, तो बड़ा अच्छा लगता है। लगता है कुछ जीवन में पाया हो ना पाया हो, पैसा शोहरत वो अलग चीजें हैं, लेकिन आपका प्यार पा लिया है तो जीवन थोड़ा सा संपूर्ण सा लगता है। तो इन सभी चाहतों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। फिलहाल चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया। करंट अफेयर्स में आज 18 जून है और आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि IMD की रैंकिंग जारी की गई है, विश्व की प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थाओं की सूची जारी की गई है। भारत की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर ये काम करता है, और भारत जितना बड़ा GDP वाला देश है उसमें ऐसा हो भी सकता है। तो फिलहाल इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उस और हाँ, चीन और भारत सीमा विवाद पर भी चर्चा जरूर होगी, लेकिन वीडियो के अंत में, वीडियो के अंत में यानी कि सबसे लास्ट न्यूज, क्योंकि मैं उसको डिटेल में आराम से बताना चाहता हूं, तो इसलिए उसको बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं। सबसे पहली जानकारी जो है वो सिप्री ने हाल ही में अभी एक अपनी ईयरबुक जारी कर दी है। सिप्री का जो मेन काम है वो ये कि ये देखना कि कौन सा देश अपने ऊपर कितना आयुध खर्च कर रहा है, या अपने लिए डिफेंस के ऊपर वो कितना खर्च करते हैं। सिप्री की ही अभी एक रिपोर्ट आई थी कि विश्व के 3 सबसे ज्यादा हथियार खरीदने के मामले में अगर देखा जाए तो भारत तीसरे नंबर पर था, US और चीन के बाद। सिप्री ने ही अभी हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया, और उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि किस देश के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। भारत चीन पर जो चल रहा है, भारत चीन की सीमा पर जो चल रहा है, ऐसे में दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं, और ऐसे समय में ये रिपोर्ट आना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब परेशान करने वाला आंकड़ा है। रूस के पास 6,375 न्यूक्लियर हथियार हैं, और विश्व के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार रूस के पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, जिसके पास 5,800 न्यूक्लियर हथियार है। अपने पास हथियार डेवलप करने के बाद इन्होंने NPT वगैरह शुरू कर दिया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी शुरू कर दी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि शुरू कर दी, और उसमें कई देशों को इन्वॉल्व कर दिया ताकि और ज्यादा परमाणु हथियार संपन्न ना हो सके। सही भी है, क्योंकि अमेरिका जिम्मेदारी निभा सकता है, रूस जिम्मेदारी निभा सकता है और अपने आप को सुपर पावर बना सकता है, लेकिन बाकी के देश हो सकता है इस तरह से जिम्मेदारी ना निभाएं और इन परमाणु हथियारों का गलत प्रयोग करें। तो सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास जो हथियार हैं वो पाकिस्तान से थोड़े से कम है। भारत के पास 150 हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 160 हथियार है। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल तक भारत के पास 140 हथियार थे, यानी अभी अभी हमने 10 हथियार और डेवलप किए हैं। लेकिन चीन के पास हमसे दोगुने हथियार हैं, 320 परमाणु संपन्न हथियार हैं उसके पास। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है, ने हाल ही में ईयरबुक 2020 जारी किया है, और इसके अनुसार चीनी शस्त्रागार में 320 न्यूक्लियर हथियार हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 160 और भारत के पास 150 न्यूक्लियर हथियार मौजूद है। रिपोर्ट में बताया गया कि रूस और अमेरिका के पास दुनिया का 90% से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार रूस और अमेरिका के पास है। रूस के पास 6,375 और अमेरिका के पास 5,800 न्यूक्लियर हथियार है। दुनिया में हाल फिलहाल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, इनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। सिप्री की बात करें तो सिप्री ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट बताई थी कि इंडिया 1 among top 3 मिलिट्री स्पेंडर, यानी अपने सैन्य खर्चों पर खर्च करने के मामले में भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है, जबकि हथियार खरीदने के मामले में पहले नंबर पर आ गया है। 27 अप्रैल 2020 की यह न्यूज है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे रिलीज किया था कि मिलिट्री स्पेंडिंग, यानी कि जो अपने सैन्य खर्च जो देश कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा खर्च करता है US, और उसके बाद चाइना, और उसके बाद हम तीसरे नंबर पर हम कर रहे हैं, और ये अभी हाल के कुछ वर्षों में बढ़ा है। ऐसा हाल के कुछ वर्षों में इसलिए बढ़ा है क्योंकि लगातार भारत पाकिस्तान के साथ विवाद हो रहा है, लगातार भारत चीन के साथ विवाद हो रहा है। चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है वो दक्षिण चीन सागर में भी बढ़ा चला आ रहा है, ऑक्साइन चीन में भी बढ़ा चला आ रहा है, और जो भी छोटे छोटे देश हैं उनको कर्ज बांटने के नाम पर उनको भी अपने अंडर में लेता चला जा रहा है। तो ऐसे में ये भारत को अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए ये जो खर्च है ये करना जरूरी था। और अभी हाल फिलहाल हम अपने GDP का जो भी हमारा है वो 3% सेना पर करते हैं। कल की घटना के बाद मांग उठी है कि कम से कम 5% जो है वो सेना पर खर्च किया जाना चाहिए।
इसके अलावा रसिया और सऊदी अरबिया जो है वो चौथे और पांचवें नंबर पर आए थे। सऊदी अरब जो है ये विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश है। आगे चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। सीबीआईसी चेयरमैन यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष एम अजीत कुमार, इनका अपॉइंटमेंट अभी हुआ है, इसलिए ये न्यूज आपके लिए यहां से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड या कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, एम अजीत कुमार ने पूरे भारत में 500 से अधिक सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों को ई ऑफिस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। क्या है ये ई ऑफिस एप्लीकेशन? कोविड-19 के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कई सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो ऑनलाइन कार्य प्रणाली को अपनाने पर जोर दे रहे हैं, जिस क्रम में हमने देखा था कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में पूरी तरीके से डिजिटल बनने वाला पहला डिपार्टमेंट बना है। अब उसके बाद बारी आई थी CGST CBIC की। ई ऑफिस भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के एक मिशन मोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ई ऑफिस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है, जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा समर्थित है। यह फेसलेस होगा, कॉन्टेक्टलेस होगा और पेपरलेस अप्रत्यक्ष कर सुलभ कराने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए संगठन का एक अहम कदम है। देश में दो तरह के कर हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड जिसे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहा जाता है, वर्तमान में इसके जो हेड है वो एम अजीत कुमार है और ये राजस्व विभाग का एक हिस्सा है जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई थी। वर्तमान समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, वो इसकी हेड है। जबकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो भारत सरकार का प्रधान सचिव होता है और ये देश की सबसे बड़ी सबसे ऊंची रैंक वाली IRS सर्विस होती है, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस होती है। वर्तमान समय में इसके हेड हैं प्रमोद चंद्र मोदी, जिन्हें PC मोदी भी कहा जाता है। इनको अभी हाल ही में उड़ीसा बाढ़ प्रबंधन की वजह से विश्व प्रसिद्ध सासाकावा पुरस्कार दिया गया। सासाकावा पुरस्कार आपदा प्रबंधन में बढ़िया काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो हाल फिलहाल अंग्रेजी से अनुवाद किया गया कंटेंट, माफी चाहूंगा। अध्यक्ष है जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारत सरकार में वरिष्ठतम IRS सिविल सेवक होता है। CBDT के अध्यक्ष यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव होते हैं। वर्तमान समय में PC मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी वर्तमान समय में इसके हेड है। अगली जानकारी है मर्त्यपुरा रे जमराज। एक छोटी सी लघु फिल्म बनाई गई है उड़िया भाषा में उड़ीसा सरकार द्वारा, किस लिए? कोविड-19 के प्रभावों को दर्शाने, उनके लक्षणों को दर्शाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया। और इस फिल्म में कोविड-19 को समझने के लिए, कोविड-19 कोरोना वायरस की बीमारी, वही अपना कोविड-19, इसके तो आप आज सभी परिचित हैं। तो कोविड-19 की बीमारी को समझने के लिए और उसके लक्षणों को जानने के लिए और उससे दूर रहने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की एक फिल्म का आयोजन किया गया, जिसको अभी हाल ही में कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह फिल्म ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना चाहती है और इसमें ये कॉमेडी फिल्म है। इसका नाम है मर्त्यपुरा रे जमराज। आपको ये याद रखना है ये फिल्म किस भाषा की है, ये फिल्म उड़ीसा यानी उड़िया भाषा की है। अगली जानकारी पर चलते हैं। अब हम आ गए हैं IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। भारतीय अर्थव्यवस्था इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज डेवलपमेंट तैयार किए जाने वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में इस साल भी 43वें नंबर पर रही है। IMD के रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां, मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा तथा शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी भी कायम है। इस सूची में 63 देशों को शामिल किया गया था और सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर आया है, यानी कि सबसे ज्यादा कंपिटिटिव अर्थव्यवस्था जो है वो सिंगापुर की है। क्या होता है कंपिटिटिव अर्थव्यवस्था? कंपिटिटिव अर्थव्यवस्था का एक पैरामीटर है जिसके जरिए यह पता चलता है कि कौन से देश की अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों के मुकाबले काफी तेजी से आगे जा रही है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि सिंगापुर की जो अर्थव्यवस्था है, अगर इसी स्पीड से चलती रही तो आगे चलकर वो काफी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर सकते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि अगर आपको किसी जगह निवेश करना हो तो आप किस अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहेंगे, जहां पे आपका पैसा ज्यादा तेजी से निकल गया है, तो उसमें सिंगापुर की अर्थव्यवस्था ज्यादा बेटर है।
कंपिटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था वो होती है जो सर्वाइव कर सके माहौल में, जिस तरह से देश आगे जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, आयात निर्यात खुद पे डिपेंड करते चले जा रहे हैं, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो रेशियो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसी स्थिति में अपना माल एक ग्लोबल मार्केट में, अपना सामान एक ग्लोबल मार्केट में बनाए रखना और उसको अन्य देशों की तुलना में अच्छा साबित कर ले जाना ही कंपटीटिव अर्थव्यवस्था का घोतक है। तो अफसोस भारत इसमें 43वें स्थान पर है, क्योंकि केवल 63 देशों की सूची जारी हुई थी, यानी कि 20 स्थान ही हमसे केवल पीछे है। वहीं डेनमार्क दूसरे स्थान पर आया है, पिछले साल डेनमार्क 8वें स्थान पर था और स्विट्जरलैंड एक स्थान चढ़कर तीसरे स्थान पर आ गया है, यानी कि विश्व की 3 सबसे बेहतरीन तरीके से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था है सिंगापुर, डेनमार्क और आपका स्विट्जरलैंड। वहीं हांगकांग फिसलकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है, हांगकांग साल 2019 में दूसरे स्थान पर था। वहीं अमेरिका भी फिसलकर 3रे से 10वें स्थान पर पहुंच गया, चीन 14वें से 20वें स्थान पर पहुंच गया। ब्रिक्स देशों की अगर बात करें तो भारत का स्थान चीन के जस्ट बाद आता है, रूस 50वें नंबर पर है, ब्राजील 56वें नंबर पर है और दक्षिण अफ्रीका 59वें स्थान पर बना हुआ है। क्या होता है कंपिटिटिवनेस और कैसे इसको बनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। एक लगातार बढ़ती हुई ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई भी देश हमेशा अपने आप का अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, उस मार्केट में बना रहना चाहता है, और ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था को 43वां स्थान मिला। इसको नापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए कई सारे पैरामीटर होते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली IMD जिन पैरामीटर्स को फॉलो करता है उनमें से 4 चीजें देखी जाती हैं। पहला तो यह देखा जाता है कि आपका एक्सपोर्ट प्राइस रिलेटिवली क्या है। लेट अस सपोज मैं चावल बाहर बेच रहा हूं, पाकिस्तान भी चावल बाहर बेच रहा है, सेम किस्म का चावल है, लेकिन अगर मेरा प्राइस 12 रुपए है और पाकिस्तान का चावल का प्राइस 10 रुपए है तो लोग पाकिस्तान का लेंगे, आप समझ गए। तो एक्सपोर्ट प्राइस एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि मैं अपना माल किस प्राइस पर, सेम क्वालिटी का किस प्राइस पर बेच रहा हूं, ये बड़ा पैरामीटर होता है। दूसरा होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये एक इकोनॉमिक का शब्द है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इज अ रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट, कोई देश कितना माल बाहर भेजता है और कितना वहां से मंगाता है, उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड टर्म ऑफ ट्रेड। टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब यह हुआ जिस देश का टर्म ऑफ ट्रेड ज्यादा होगा उसकी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी होगी, क्योंकि वो जो सामान है वो बेच ज्यादा रहा है, खरीद कम रहा है। अरे कोई दुकान कब तक चलेगी, एक दुकान जो है वो लगातार माल खरीदती जा रही है, बेच कम रही है तो घाटे में ही जाएगी, तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था का पैरामीटर आ जाता है। तीसरा पॉइंट आता है लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी है, लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हुआ इसको आप GDP पर वर्कर, यानी कि एक आदमी, कोई भी वर्कर, कोई भी श्रमिक है वो GDP में कितना योगदान कर पा रहा है, आप इसको सीधा सा ले सकते हैं, बहुत अगर बेसिक मूल्यों पर जाएं तो एक मजदूर को कितनी मजदूरी वो देश में उपलब्ध होती है, आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कितना सस्ता लेबर श्रम उपलब्ध है, जितना सस्ता लेबर श्रम उपलब्ध होगा यानी कि वहां पर जो कॉस्टिंग आएगी वो उतनी कम हो जाएगी, तो उसको वो पैरामीटर को नीचे लेके जाने का काम करता है, यानी कि जितना मजदूरी का दर ज्यादा होगा उतना ही अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। यूनिट लेबर कॉस्ट, विच आर द कॉस्ट लेबर पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि जब लेबर एक दिन काम करता है तो उसका क्या कॉस्टिंग आता है, या कोई भी जब आप काम करवाते हो तो एक दिन में उसकी क्या कॉस्टिंग आती है, इसको भी यहां पर मेजर किया जाता है। 4 पॉइंट यहां पर मेजर किए जाते हैं जिसे कंपिटिटिवनेस इंडेक्स निकाला जाता है। तो हाल फिलहाल पहले नंबर पर सिंगापुर, अगली जानकारी है नेपाल और भारत का काला पानी विवाद, तो आपने सुना ही होगा, यह विवाद आज का नहीं है, सुगोली की संधि से चला आ रहा है। अंग्रेजों के मुताबिक जो काला पानी है उसको वो ढंग से बना ही नहीं पाएगी, काला पानी इधर जाएगा कि उधर जाएगा, तो फिलहाल उधर नहीं जाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल एक नई खबर आ रही है कि भारत जो है वो 2.33 करोड़ रुपए पशुपतिनाथ मंदिर में लगाने जा रहा है, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि अपने छोटे भाई को पुचकारने जा रहे हैं हम। नेपाल जो हमें लगातार आंख दिखा रहा है, हम बड़प्पन की तरीके उसको जा रहे हैं, बेटा हमारे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। जो लोग नेपाल से होंगे वो थोड़ा इस बात को बुरा मत माने, लेकिन सच्चाई यही है। हाल फिलहाल भारत ने काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर परिषद में 2.33 करोड़ रुपए की स्वच्छता सुविधा का निर्माण करने का संकल्प लिया है, या तीर्थ यात्रियों के लिए पवित्र मंदिर में बुनियादी ढांचे में सुधार करेगा। पशुपतिनाथ किसका मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर अगर हम बात करें तो इसकी दो अलग अलग कहानियां प्रचलित है, नेपाल में अलग कहानी प्रचलित है,
हमारे यहां उत्तराखंड में अलग कहानी प्रचलित है। नेपाल की कहानी के मतलब के वहां पे एक चलता है हिमवंत खंड, जैसे हमारे यहां शास्त्र होते हैं वैसे नेपाल में भी हिमवंत खंड करके एक शास्त्र है। उसमें लिखा गया है कि एक बार भगवान शिव वाराणसी में जब थे तो देवों से नाराज होकर वाराणसी छोड़कर नेपाल चले गए बागमती नदी के किनारे। लोग उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे तो वहां पर उन्होंने चिंकारा का एक, चिंकारा एक हिरण की प्रजाति होती है, उसका रूप धर लिया था और वहां पर सोने सो गए। फिर उसके बाद जब उन्हें लगा कि कोई उनको ढूंढते हुए आ रहा, तो उन्होंने नदी के पार छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उनका जो सींग था वो चार हिस्सों में टूट गया और उन चार हिस्सों के टूटने की वजह से चतुर्मुख लिंग पशुपतिनाथ जी का जन्म होता है। भारत में इसकी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में आपने केदारनाथ का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग प्रवास कर रहे थे, जब स्वर्ग में जा रहे थे, तो उस समय उनको भैंसी के रूप में भगवान शिव के दर्शन होते हैं, लेकिन वो जैसे ही उनको देखते हैं वो जमीन में समा जाते हैं और जमीन में समाते समय उन्होंने जो भीम होते हैं वो उनकी पूंछ पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो पूंछ वाला हिस्सा केदारनाथ में रह जाता है और जहां उनका सिर निकलता है, मुख निकलता है, वो हिस्सा पशुपतिनाथ पहुंचता है, इसीलिए उसको पशुपतिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। तो हाल फिलहाल पशुपतिनाथ मंदिर परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास भागीदारी के तहत भारत द्वारा एक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास योजना के रूप में किया जाएगा। इस पहल के तहत भारत ने काठमांडू के मेट्रोपॉलिटन सिटी द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाली स्वच्छता सुविधा के लिए, ताकि जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनको दूर किया जा सके, तो 2.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बुनियादी ढांचे विकास के लिए भारत की सहायता दोनों देश के बीच में उग्र सीमा रेखा के बीच में है। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये सबसे बड़ा मंदिर परिसर है और यह बागमती नदी के किनारे दोनों किनारे तक फैला हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर, जिसे नेपाली में भी पशुपतिनाथ मंदिर कहा जाता है, नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन नामक गांव पे स्थित है। एक हिंदू मंदिर है। नेपाल के एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। यह मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। पशुपतिनाथ में आस्था रखने वाले मुख्य रूप से हिंदुओं को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। गैर हिंदू आगंतुकों को इसके बाहर ही बागमती नदी के दूसरे किनारे से देखने की अनुमति है। यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। 15वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल्ल से शुरू हुई यह परंपरा है कि मंदिर में जो चार पुजारी, जिन्हें भट्ट या एक मुख्य पुजारी जिन्हें मूल भट्ट कहा जाता है, वो दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से ही आएंगे। पशुपतिनाथ में शिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। तो भारत देगा नेपाल को 2.33 करोड़ रुपए। अगली जानकारी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि मनरेगा के तहत, मई में ये न्यूज बताई थी कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। लगभग 23 लाख लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन नए आंकड़ों के मुताबिक ये न्यूज बदल गई है। उत्तर प्रदेश जो दूसरे स्थान पर चल रहा था पहले स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। अब तक जब से मनरेगा शुरू हुई है 2005 से, 2005 में इसको नरेगा के नाम से शुरू किया गया था, फिर उसके बाद राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है इसे। 2010 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, जिसकी वजह से इसका नाम मनरेगा हो गया। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम का लगभग 18% है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 7.93 करोड़ मानव दिनों का भी रोजगार मुहैया कराया है और 10 लाख और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। COVID-19 के दौरान सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ था, यह ध्यान रखिएगा। COVID-19 के दौरान जब सभी जगह काम बंद था तो छत्तीसगढ़ में फिर भी थोड़ा बहुत काम चल रहा था, तो COVID-19 के दौरान देश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला जो राज्य था वो छत्तीसगढ़ था। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की बात छेड़ी है तो उत्तर प्रदेश को लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट न्यूज में है, देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां खोली जा रही है, ये कुशीनगर में खोली जा रही है। अभी हाल ही में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव देखा गया आपके स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर 12 जनवरी के दौरान। इसकी जो थीम रही थी वो रही थी फिट इंडिया, फिट यूथ फिट इंडिया। उत्तर प्रदेश जो है ये पहला स्टेट है जिसने माइग्रेंट यानी अप्रवासी भारतीयों को शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया है कि वो पाकिस्तान से आए हैं कि अफगानिस्तान से आए हैं। इसके अलावा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष यानी कि मिशन इंद्रधनुष जो कि एक सघन टीकाकरण अभियान है, इसका दूसरे चरण की जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। बहादुरपुर और खीरी बिलान
करके नाम के दो गांव हैं जिनको आदर्श ग्राम योजना के तहत डेवलप किए जाने वाले पहले मॉडल स्पोर्ट्स विलेज है। भारत का पहला पशु संग्रहालय वार मेमोरियल फॉर एनिमल, पहला पशु युद्ध स्मारक जो है वो आपका मेरठ में बनाया जा रहा है। यूपीएसआरटीसी ने अभी हाल ही में दामनी नाम की एक योजना लॉन्च की थी ताकि जो भी महिलाएं बस में सफर करती हैं वो इस हेल्पलाइन नंबर का सहारा ले सकती हैं। अगर आप यूपी से हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर को जरूर नोट रखें, 811-42-5x7। ये नंबर जो भी महिलाएं बस में सफर करती हैं उनकी हेल्प के लिए बनाया गया है अगर उनको जरा सी भी असुरक्षा महसूस होती है तो। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की थी जिसमें 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाना है। नीति आयोग का जो सबसे आकांक्षी जिला आया है वो इस बार चंदौली यूपी का आया है, जबकि दूसरे नंबर पर बालनगीर उड़ीसा रहा है। वीजीएम मोबाइल यानी कि वेरी गुड मॉर्निंग नाम का एक मोबाइल ऐप जो है वो IIT BHU द्वारा डेवलप किया गया है, IIT BHU के स्टूडेंट द्वारा डेवलप किया गया है कि महिलाओं के विरुद्ध जो भी अपराध होते हैं उनको सही ढंग से ट्रैक करने के लिए। इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये क्या है, इंडिया द इमर्जिंग, भारत एक उभरता हुआ विनिर्माण क्षेत्र, ये थीम थी डेफ एक्सपो यानी कि डिफेंस एक्सपो जो 11वां डिफेंस एक्सपो आपका लखनऊ में हुआ वहां पर इसकी थीम थी। ग्राउंड वाटर एक्ट अभी 2020 जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रूव किया है। कुछ दिन पहले एक और एक्ट उन्होंने लागू किया है कि अगर गायों का कोई वध करता हुआ पाया जाएगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया जाएगा और साथ साथ उसके 10 साल की कैद और जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। इंद्रधनुष 6 नाम का एक अभ्यास हुआ इंडिया और यूके के बीच में, ये वायुसेना का अभ्यास था जो कि हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में बहती है उसके किनारे पर हिंडन एयरबेस बना हुआ है वहां पर यह अभ्यास किया गया इंद्रधनुष। भारत और यूके के बीच में जो अभ्यास होता है एयर वाला उसको क्या बोलते हैं इंद्रधनुष, ये 5वां अभ्यास था। यूपी सरकार ने अभी हाल ही में 900 रुपए देने की योजना एक शुरू की थी जिसे गौपालक संवर्धन योजना कहा जाता है कि अगर आप किसी मवेशी गोवंश के मवेशी को अपने पास रखते हैं उसका लालन पालन करते हैं तो आपको 900 रुपए प्रत्येक जानवर के हिसाब से आपको दिया जाएगा। कैपिटल सिटी लखनऊ है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल स्वैम्प डियर यानी कि हिरन, बारहसिंगा भी आप इसे कह सकते हैं, स्टेट बर्ड सारस क्रेन, स्टेट ट्री अशोक और पलाश का जो फूल है ये राजकीय फूल है उत्तर प्रदेश का। हिंदी में यहां पर जानकारी है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, आज जानकारी लेंगे न्यूज फटाफट पे कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून, सूखे से निपटने के लिए और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 17 जून को यह दिवस मनाया जाता है। हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। यह दिन हर साल मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जरूरी सहयोग के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 का विषय फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। इस साल फूड फीड फाइबर के नारे के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है जो अपने व्यक्तिगत प्रभाव को कम करने का मार्ग सुझाएगा। अगली जानकारी है, लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक संघर्ष हुआ। संघर्ष अभी से नहीं चल रहा है, संघर्ष काफी समय से चल रहा है, छोटी मोटी झड़पों की खबर आती रहती है, लेकिन अभी एक महीने पंद्रह दिन पहले लगभग सेना के उच्च अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई चीन और सेना के बीच में कि 16 जून को आप ये जगह छोड़ दोगे, 15 जून को आप ये जगह छोड़ दोगे, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी जिसकी वजह से भारतीय कर्नल थे एक एम संतोष बाबू वो उनको समझाने गए, वहां पर उनके साथ मारपीट की घटना हो गई। जब उन्होंने वापस आके अपने साथियों को बताया कि उनके साथ मारपीट की गई है, इसके बाद दोनों गुटों में जमकर पथराव हुआ क्योंकि चीनी सैनिक ऊपर थे, वो वहां से बड़े बड़े पत्थर लुढ़का रहे थे जिसकी वजह से 20 जवानों के हताहत होने की खबर आई है। और ऐसा कई न्यूज में भी सुनने को मिल रहा है कि इस क्रम में 43 चीनी सैनिक भी मारे गए, लेकिन यह विवाद बहुत जल्दी सुलझाना चाहिए। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये विवाद है क्यों और क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है वो सब समझते हैं, पहले न्यूज पढ़ लेते हैं। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी क्षेत्र में 15 जून को भारतीय सेना का चीनी सेना के साथ हिंसक संघर्ष हो गया। इस क्षेत्र में चीन की सेना ने वहां यथास्थिति बदलने की कोशिश की थी जिससे दोनों पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। उल्लेखनीय है कि भारत ने चीन से लगी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की है और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे LAC कहा जाता है दोनों देशों के बीच 4 पॉइंट पर पिछले कई दिनों से गतिरोध जारी है।
6 जून को पहली बार भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर पर बातचीत हुई थी, जिसमें गतिरोध के पॉइंट्स की पहचान की गई थी और इस बातचीत में गलवन वैली और हॉट स्प्रिंग एरिया में गतिरोध के 3 पॉइंट में धीरे धीरे सैनिकों को पीछे किए जाने पर सहमति बनी थी। चीन 6 जून को हुई सहमति से मुकर गया और उसने गलवन घाटी में LAC पर इस सहमति के अनुरूप काम नहीं किया। 15 जून को देर शाम और रात को चीन की सेना ने वहां पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की, उन्होंने और आगे बढ़ने की कोशिश, जिसके पीछे दोनों पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हुई। पहले तो ये एरिया लोकेट करते हैं कि ये है कहां पर। ये जो आप देख रहे हैं डार्क कलर का, ये पेंगयोंग झील है। पेंगयोंग झील में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और यहां पर आपकी LAC है। ये जो वैली है 4 से लेकर 5 के बीच में, क्योंकि यहां पर एक नदी निकलती है गलवन नदी, इसलिए इसको गलवन घाटी कहा जाता है। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 आप देख रहे हैं, इन्हें फिंगर कहा जाता है। फिंगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उभरे हुए बने हुए हैं पर्वत की चोटी पर। यहां पर 1 से लेकर 4 तक भारत का कब्जा है। 4 से 5 वाला जो क्षेत्र है ये विवादित क्षेत्र है। इसमें जब चीन इधर आने की कोशिश करता है तो भारतीय अधिकारी उन्हें रोकते हैं, और जब भारतीय अधिकारी उधर जाते हैं तो चीन उन्हें जाने की रोकता। दिक्कत है ये कि यहां 5, 6, 7, 8 पर लगभग सभी जगह चीन ने अपना एक बेसिक कंस्ट्रक्शन बना रखा है। बेसिक कंस्ट्रक्शन यानी कि वहां पर उन्होंने अपना एक सैन्य बेस बना रखा है, और भारत भी अब धीरे धीरे यहां 4 नंबर पॉइंट पर अपना बेसिक कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, जिसमें चीन को दिक्कत है। लेकिन चीन को सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, चीन को और भी बहुत दिक्कत है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहले इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं कि यह है कहां। आप ऊपर जाइए, अब आपको यहां पर समझ में आएगा कि असली वजह क्या है। यह है हमारा लद्दाख। अब लद्दाख से आप थोड़ा सा इधर जाओगे तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है आक्साई चीन। धारा 370 लागू हुई, 370 हटी, सॉरी अनुच्छेद 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो क्षेत्र हैं वो भारत में मिला लिए गए। पहली वजह यही है, आर्टिकल 370 से घबराया है चीन। आर्टिकल 370 हटने से क्या होगा, लद्दाख हमारे क्षेत्र में आ रहा है, यहां पर अब भारतीय सैनिक बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं। इससे क्या होगा, यहीं से चीन ने एक सड़क निकाल रखी है पाकिस्तान के लिए, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाती है। अगर भारत का कब्जा पाक अधिकृत कश्मीर पर हो जाता है तो ये जो सड़क है, चीन का जो भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान पे किया जा रहा है वो बेकार हो जाएगा। चीन को इसकी सबसे बड़ी चिंता है। उसके बाद दूसरी चिंता ये है कि अगर यहां पर इन क्षेत्रों की बात की जाए, भारत अपना यहां पर सैन्य बेस बना लेगा, अगर वो बेसिक यहां पर सैन्य बेस बना लेगा तो चीन कभी भविष्य में अगर भारत में आक्रमण करना चाहेगा तो उसकी दिक्कत शुरू हो जाएगी। और चीन का कहना यह है कि अभी तक आपने कब्जा नहीं किया, अभी तक आपने यहां पर बेसिक कंस्ट्रक्शन नहीं किया, अभी तक आपने यहां पर मकान वगैरह नहीं बनाए, अभी तक आपने यहां पर सैन्य बेस नहीं बनाया, तो अब क्यों आप सैन्य बेस बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप साम्राज्यवादी नीति का विस्तार कर रहे हैं, जबकि भारत का पक्ष यह है कि आप लगातार दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बनाते चले जा रहे हैं। आप हमारे ऊपर से एक सड़क लेकर निकल चले गए। हम सिर्फ अपनी जगह पर एक कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसमें आपको बड़ी दिक्कत है। ऐसा चक्कर चल रहा है। फिर उसके बाद आप देखिए, सोमवार रात यहीं पर आपकी हिंसक झड़प हुई है। यहां तनाव को कम करने की कोशिश जारी थी पर विवाद हुआ और दोनों देशों के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। चीन का कहना है कि आपके जो कमांडर थे वो थोड़े उग्र हो गए, उन्होंने बातचीत का सहारा नहीं लिया और उन्होंने देख लेने की धमकी वगैरह दी, मतलब इस तरह से बहस की बात हुई जिसकी वजह से वो बिगड़ गया। तो चीन के जो विदेश मंत्री हैं वेंग ली, उनका कहना है कि भाई आप अपने जो भी कमांडर वगैरह हैं उनको समझाइए कि वो तमीज से बात करें। तो ये कहना है। अब एक्चुअल क्या हो रहा है वहां पर यह भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाल फिलहाल ये जो घटना है ये बहुत दुखद घटना है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत चीन के बीच में 61 साल से सीमा विवाद है। 1975 में 4 जवान हमारे अरुणाचल प्रदेश में मारे गए थे, उसके बाद से इस सीमा पर कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। 45 साल हो गए लगभग, 75 से 45 साल हो गए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भारतीय सैनिक मारा गया हो, लेकिन अचानक से 20 सैनिक मार दिए गए। यहां पर 3488 किलोमीटर बॉर्डर लाइन जो है वो 3 सेक्टर में बटी हुई है। वेस्टर्न सेक्टर जिसे जम्मू कश्मीर कहते हैं, जहां पे दिक्कत चल रही है, मिडिल सेक्टर जिसे हिमाचल और उत्तराखंड कहते हैं, और ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। डोकलाम विवाद भी 2017 में सामने आया था, जब डोकलाम जो कि अरुणाचल प्रदेश में है आपका, वहां पर कई सारे जो चीनी सैनिक थे वो इकट्ठा हो गए थे और सड़क बनाने लगे थे, जिसकी वजह से बुलडोजर लेकर 300 से 270 भारतीय सैनिक पहुंच गए थे और वहां पर रोक दिया था, जहां पर भी झड़प की खबर आई थी, लेकिन फिर भी कोई शहीद नहीं हुआ था। इसके अलावा भारत चीन के बीच में मई में क्या क्या विवाद हुआ, पेंगोंग झील और गलवन के इलाके में बॉर्डर तय नहीं है। मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि कौन सी जगह से आप इंडियन बॉर्डर शुरू होगा, कौन सी जगह से।
आपका चीनी बॉर्डर शुरू होगा। चीनी यहां अपने इलाके में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन किया है, भारत ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना शुरू किया है, जो सबसे बड़ी वजह है। इसी पर चीन ने विरोध जताया और तनाव बढ़ा। पहली वजह हो गई आपका आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के बाद भारत ने थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया। तीसरी वजह है दक्षिण चीन सागर पर भारत अपना प्रभुत्व बना रहा है। दक्षिण चीन सागर पर भारत अपना प्रभुत्व कैसे बना रहा है? अभी आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज बताई थी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक संबंध हुआ है, एक समझौता हुआ है, उसके जरिए भारत के जो आपके पोत हैं या जो आपके सिप हैं वो ऑस्ट्रेलिया तक जा सकेंगे और ऑस्ट्रेलिया के जो पोत हैं वो आपके भारत यानी अंडमान निकोबार तक आ सकेंगे। इंडोनेशिया में एक द्वीप है कोच, वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इजाजत दे दी है कि भारतीय नौसेना वहां पर अपना एक बेस स्थापित कर सकती है और भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया को इजाजत दे दी है कि अंडमान निकोबार समूह द्वीप समूह के पास अपना आप सैन्य बेस बना सकते हैं। इससे चीन को क्या नुकसान है? चीन का बीच में पड़ता है मलक्का स्ट्रेट, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में। मलक्का स्ट्रेट के जरिए बहुत सारा व्यापार जो है चीन का अफ्रीका देशों और एशिया देशों के बीच होता है। ऐसे में चीन को अब डर सता रहा है कि कहीं ये ना हो जाए कि मलक्का स्ट्रेट भी हाथ से चला जाए, ऊपर जो रोड बना रखी है बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत वो भी चली जाए और जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी चला जाए। और दूसरा सबसे बड़ी वजह है आत्मनिर्भर अभियान। आत्मनिर्भर अभियान की वजह से पूरे देश में एक लहर सी है कि चीन का जो भी सामान है उसको रोक दिया जाए। तो चीन को ऐसा लगने लगा है कि भारत की जो नीति है वो चीन विरोधी हो गई है, यानी कि हम पूरी तरीके से चीन का विरोध कर रहे हैं, हर मोर्चे पर उसको पछाड़ना चाह रहे हैं। और ऐसे में चीन डर गया है और जिसकी वजह से वो अपने किसी भी ऐसे इनिशिएटिव को, भारत द्वारा किए गए किसी भी छोटे से छोटे इनिशिएटिव को भी बर्दाश्त नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसने यहां पर जो छोटा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था उसको भी बुरा माना। तो फिलहाल ये पूरी कहानी थी, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि भारत और चीन के बीच चल क्या रहा है। हाल फिलहाल चलते हैं आज के हमारे वन लाइनर की तरफ। किस संगठन ने ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अपने 500 से अधिक कार्यालयों के ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो है आपका CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। मर्तेपुरा रे जमराज, जिसने COVID-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है, किस भाषा की फिल्म है? उड़िया। दुनिया में फिलहाल कितने देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है? 9। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा तैयार किए जाने वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में कुल 63 देशों में कौन सा स्थान पहले नंबर पर आया है? सिंगापुर। भारत ने काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ परिसर में 2.33 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही है। हर साल ये वीडियो मैं कर चुका था, दोबारा करना पड़ रहा है मुझे क्योंकि थोड़ा सा करप्शन हो गया था, लेकिन कोई नहीं, एक बार मेहनत हो गई थी दोबारा हो रही है, इसी वजह से आपको ये सब कुछ कलर दिख रहा है। हर साल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है? 17 जून को। किस राज्य सरकार ने COVID-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे IT पेशेवरों से नौकरी पोर्टल कर्मभूमि का शुभारंभ किया है? इसको मैं डिटेल में नहीं लेके आया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य जिन्होंने कोई ना कोई पोर्टल शुरू किया। फिलहाल कर्मभूमि पोर्टल पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला कौन सा राज्य है? वो है यूपी। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। किस संगठन ने ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अपने 500 से अधिक कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो है CBIC। मर्तपुरा जे रे जमराज, जिसने COVID-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है, किस भाषा की फिल्म है? उड़िया। दुनिया में फिलहाल कितने देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है? 9। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट तैयार किए जाने वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2020 में 63 देशों में कौन सा स्थान पहले नंबर पर आया है? तो वो है आपका सिंगापुर। पहले नंबर पर सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है और भारत का जो पोजीशन है वो 43वां है। इसके अलावा एक और इंडेक्स अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, याद है आपको, उसमें इंडिया की रैंकिंग 168 आई थी। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये आपका WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एल यूनिवर्सिटी के सहयोग से जारी किया था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसको 5 जून को जारी किया गया था। 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं और इस बार इसकी जो थीम रही है वो रही है टाइम फॉर नेचर। तब इसकी थीम घोषित नहीं की गई थी, अभी 2 दिन पहले इसकी थीम घोषित की गई है कि इस बार जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया गया वो टाइम फॉर नेचर के अंतर्गत मनाया गया, यानी कि नेचर, अब समय आ गया है जब हम नेचर की चिंता करें, नहीं तो नेचर हमारी चिंता कर लेगी। भारत ने काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में परिसर में कितने करोड़ रुपए स्वच्छता सुविधा निर्माण करने की बात की है? तो 2.33 करोड़।
हर साल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है? 17 जून को। फूड फीड एंड फाइबर इस बार की थीम रही है। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत आपका कौन सा ऐसा राज्य है जिसने श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार दिया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही। आज दो बार मेहनत हो गई, आपको पता नहीं लगी होगी, लेकिन हाँ हो गई दो बार। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।